हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और आज का हमारा टॉपिक है वन डी ग्राफ जनित्र डायग्राम। आप देख ही रहे, इसका सिद्धांत क्या है, ये किस प्रकार से कार्य करता है, यहां पर हम चर्चा करेंगे। साथ में इसकी बनावट कैसी होती है, इसका उपयोग कहाँ होता है, इसके कुछ प्रमुख दोष हैं जो बहुत ही कम दोष हैं, जैसे भारी होता है, आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकते। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, कुछ बच्चे कहते हैं सर कुछ चीज़ आप नहीं लिखाते हैं तो थोड़ा सा थ्योरी लिखा दीजिए, इसलिए मैं यहाँ पे नंबर दे रखा हूँ। पीडीएफ यदि आप बेहतर रूप से ले लेते हैं तो आपको नोट्स बनाने में भी दिक्कत नहीं होगी और समझने में भी आसान होगा। जैसे कुछ चीज़ें मैं समझा रहा होता हूँ आपका छूट जाता है, आप नहीं लिख पाते, तो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। छोटा सा अमाउंट है, 100 रुपये चार्ज है, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप ले सकते हैं और बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वॉन डी ग्राफ जनित्र का। पहले हम यहाँ पर हेडिंग डालेंगे सिद्धांत, कि किस सिद्धांत पर आधारित है, किस सिद्धांत पर आधारित है। तो थोड़ा समय आपको यदि बता दूं कि कोई भी यदि धातु है, कोई भी चालक पदार्थ है, यदि वो नुकीला है, नुकीला कैसे, जैसे मान के चलता हूँ एक छोटा सा धातु है और इसके पूरे भाग में आपको ऐसा दिख रहा है, लेकिन एक छोटा सा भाग ऐसा बना दूं ऐसा, तो फिर इस पर जो आवेश है सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगा जानते हैं, सबसे ज्यादा जो आवेश है उसके नुकीले भाग पर होगा। यहां पर जो आवेश का घनत्व होगा वो सर्वाधिक होगा। क्या होगा, सर्वाधिक होगा। होता क्या है, ये इसी सिद्धांत पर कार्य करता है कि जैसे हम यदि बात करें किसी भी नुकीले आवेशित भाग की, तो जब यहां पर धन आवेश है इस पर आवेश का घनत्व अधिक है। क्या है, आवेश का घनत्व अधिक है, ठीक है। जब आवेश का घनत्व तो अधिक है, मतलब यहां पर जैसे ही यहां से वायु के कण आते हैं, प्यारे बच्चों वायु के कण, तो ये जो वायु के कण है वो आवेशित हो जाते हैं और आवेशित होकर के दूर जाने की कोशिश करते हैं। कहां जाने की कोशिश करते हैं, दूर जाने की कोशिश करेंगे। कोई भी आवेशित कण होगा दूर जाने का कोशिश करेगा। कारण क्यों, भाई साहब आपको पता है कि इस पर पॉजिटिव चार्ज है और जैसे ही कोई भी प्रेरण की क्रिया से कोई वायु का कण आवेशित हुआ तो इनमें कौन सा फोर्स लगा, प्रतिकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल, ठीक है, प्रतिकर्षण लग रहा होता है। लेकिन यदि समान चार्ज होता तो आकर्षण होता। तो ये नुकीले भाग के सिद्धांत पर कार्य करता है। कहने का मतलब नुकीले भाग पर जो आपका आवेश है वो सबसे ज्यादा है, इसलिए आवेश का घनत्व तो अधिक है। इस कारण से इसके संपर्क में जैसे ही वायु आता है, इस कारण से इसके संपर्क में जो भी वायु के कण आते हैं वो आवेशित हो जाते हैं और उस नुकीले भाग के पास से प्रतिकर्षित होते हैं। क्यों, क्योंकि जैसे ही मान लीजिए कोई वायु का कण आया नुकीले भाग पर, तो नुकीले भाग पर कौन सा आवेश है, धन आवेश है, और इस धन आवेश के कारण है ना उस पे धन आवेश उत्पन्न हो गया। तो अब दोनों में जब समान आवेश है, जब दोनों में समान आवेश है प्यारे बच्चों, तो होता क्या है कि प्रतिकर्षित होता है और ये जो प्रतिकर्षित होकर के कहीं ना कहीं तो जाएगा, मतलब एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। तो ये भाई ये तो चालाक है तो जाएगा नहीं, तो कौन जाएगा, यहां पर वायु के कण जाएंगे और जब ये दूर जाने लगते हैं, भागने लगते हैं, तो इसे ही कहते हैं एक प्रकार का वैद्युत पवन उत्पन्न हो जाता है। एक प्रकार का वैद्युत पवन उत्पन्न हो जाता है और पवन इधर उधर चलने लगती है, मतलब वही आवेशित वायु के कण। वैद्युत पवन है क्या, कुछ नहीं है भाई साहब, कुछ नहीं है। देखो ये जो वायु के कण इसके पास में जा रहे हैं, संपर्क में जा रहे हैं, वो आवेशित हो जाते हैं और आवेशित होने के बाद प्रतिकर्षित होकर के चलने लगते हैं। तो उन्हीं जो माध्यम को हम बात कर रहे हैं, जो माध्यम तैयार हो रहा होता है प्लस आवेश से युक्त, उसी को हम कहते हैं वैद्युत पवन। सिंपल, और कुछ भी नहीं है, दूसरा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये इसी सिद्धांत पर कार्य करता है, नुकीले सिद्धांत के आधार पर, नुकीले पृष्ठीय जो आवेश घनत्व होता है उसके सिद्धांत पर आधार पर कार्य करता है। मैं यहां पर एक चीज और बताना चाहूं, लिखना है आपको लिख सकते हो। आज का मेरा जो टॉपिक है मुख्य रूप से समझाना कि वॉन डी ग्राफ जनित्र कैसा होता है। तो ये हमारा जो सिद्धांत है प्यारे बच्चों, जैसे किसी भी हम नुकीले भाग की बात करें तो किसी भी चालक के नुकीले भाग पर जो आवेश है सबसे ज्यादा होता है, मतलब वहां पर आवेश का घनत्व सर्वाधिक होता है। इसके कारण जैसे ही वायु के कण यानी वायु इसके संपर्क में आते हैं तो आवेशित हो जाते हैं और आवेशित होने के फलस्वरूप प्रतिकर्षित होकर के दूर जाने की कोशिश करते हैं और एक वैद्युत पवन चलने लगता है। ये इसका सिद्धांत और कुछ भी नहीं है, ठीक है, समझ में आया। तो नुकीले भाग का सिद्धांत, अब देखो नुकीला सर आपने तो बता दिया, लेकिन ये कैसे कार्य करेगा। देखो सबसे पहले आप सिद्धांत लिख ली, अब आपको करना क्या, संरचना कैसे है भाई, ये क्या बना ही है, क्या चीज। देखो आपको दिख रहा होगा स्तंभ, ये आपको स्तंभ दिख रहा है, ये स्तंभ दिख रहा है, मतलब एक आपको स्तंभ दिख रहा है। इसकी जो ऊंचाई है लगभग जानते हैं कितनी होती है, इसकी ऊंचाई लगभग 15 मीटर,
यानी, और ये ऊपर आपको दिख रहा है एक धातु का गोला, धातु का गोला दिख रहा है ना, धातु का गोला। कहने का मतलब ये जो आपका धातु का गोला होता है, लगभग लगभग मान लीजिए ये जो मीटर ऊंचाई है इससे कम ही चौड़ा होता है। अब यहां पर आपको मापन में नहीं कह सकता हूं कि 5 मीटर 6 मीटर 10 मीटर, यानी देखिए 1 मीटर मतलब 2 हाथ लगभग लगभग, तो लगभग लगभग आपका जो ये लोग 5 से 7 मीटर के आसपास का होता है। लेकिन ये जो आपका धातु का गोला होता है वो ऊंचे स्तंभ में टिका रहता है। अब देखो थोड़ा समझने की कोशिश करोगे, आप कहोगे सर यहां से भी स्तंभ है, हाँ बिल्कुल जमीन यदि आप कहोगे तो यहां से भी है। तो यदि इसकी ऊंचाई कही जाए स्तंभ की, कि जैसे मान लीजिए स्तंभ बना दूं और ऊपर एक धातु का गोला रख दूं, तो इस स्तंभ की जो टोटल ऊंचाई है वो है आपकी कितनी, 15 मीटर। मतलब वैन डर वाल्स चरित्र बनाते समय अपन क्या करते हैं, एक धातु का गोला लेते हैं, ये धातु का गोला ऐसे है, ये धातु का गोला ऐसे है जो कि 15 मीटर ऊंचे स्तंभ पी पर टिका होता है। संरचना लिखोगे, मैं पूरा बताऊंगा, बिल्कुल आप चिंता करो, थोड़ा सा समय दो भाई साहब, थोड़ा समय दो। मैंने क्या कहा, ये जो वैन डर वाल्स चरित्र है ये एक धातु का गोला और कुछ भी नहीं, जो कि आवेश को ग्रहण करता है, आवेश ग्रहण करने की उस पर क्षमता होती है। तो ये जो वैन डर वाल्स चरित्र आवेश का एक गोला है जो कि एक 15 मीटर ऊंचे स्तंभ पी पर टिका हुआ है। ठीक है, आगे देखो, इस धातु के गोले और स्तंभ के बीच में आपको एक वेल्ट दिख रहा है, यानी घिरणी P1 और P2 नजर आ रहा है, जो कि दो घिरणियां इस प्रकार से व्यवस्थित होती हैं कि P1 जो होता है सीधा फर्श से संबंधित होता है, मतलब जमीनी तल से संबंधित होता है, जिसका कि एक मशीन M से कनेक्शन होता है, यानी जुड़ा रहता है, जो कि इस घिरणी को घुमाने का काम करता है। दूसरा घिरणी P2 जो है वो आपके धातु के गोले के केंद्र पर होता है, और इसके चारों ओर एक बेल्ट का पट्टा, बेल्ट जैसे रेशम का हो सकता है, रबर का हो सकता है, एक बेल्ट होता है पट्टा जिसे बोलते हैं, आप लोगों के क्षेत्र में हो सकता है दूसरा, तो आप बेल्ट समझो, एक बेल्ट लगा रहता है जो कि घिरणी के माध्यम से घूमता रहता है। जैसे हम इसको यहां से घिरणी घुमाएंगे तो ये आसानी से पट्टा जाएगा ऊपर, जैसे आप कभी आटा सॉरी गेहूं लेकर के है ना चक्की गए होंगे आप, है ना चक्की बोलते हैं ना आपके एरिया में, कुछ और बोलते हैं देख लेना भाई साहब क्या बोलते हैं, तो जब उस पे आप जाओगे तो देखोगे कि इसी प्रकार से पट्टा लगा रहता है ना, बेल्ट लगा रहता है, ये बेल्ट होता है। बेल्ट क्या करता है, एक साइड मशीन रहता है और हमारा जो मशीन जो जनरेटर होता है वो घुमाने का काम करता है, और एक साइड हमारा ऐसा मशीन जहां पे हम मान लीजिए गेहूं को डालते हैं जिससे वो पिसता है, तो उस मशीन को घुमाता है। आप देखना एक लंबा राउंड लगा रहता है ना, कभी सरसों लेकर जाना चक्की पे, या कि आप मान लीजिए चावल कहने का मतलब धान लेकर जाओगे तो चावल बनेगा, धान लेकर जाना आप कभी, तिल लेकर जाना, आप लोग देखे होंगे यार सबको पता है। तो जिस प्रकार से चक्की पे बेल्ट लगा रहता है ना, उसी प्रकार से P1 और P2 के बीच क्या लगा रहता है, बेल्ट लगा रहता है। अब P1 का कनेक्शन मैंने बताया कि एक मशीन से होता है, M4 मशीन, समझ रहे हो ना, तो भैया मशीन से होता है जो कि क्या करता है P1 को घुमाता है, और जब P1 को घुमाता है तो ये बेल्ट घूमने लगता है, जिससे P2 से होकर ये जो घिरणी है ये घूमते हैं और इसके ऊपर बेल्ट भी घूमता रहता है। ठीक है, फिर से समझो, मैंने क्या कहा कि वैन डर वाल्स चरित्र में धातु का एक गोला होता है जो कि लगभग 15 मीटर ऊंचे स्तंभ पर टिका रहता है, ये कुछ ही त्रिज्या की होती है, 10 से 5 मीटर की त्रिज्या होती है, 5 × 10 हाथ लंबा चौड़ा, समझ रहे हो, बहुत ज्यादा हो जाएगा, लगभग 7-8 टोटल व्यास की मैं बात करूं तो 5-8 होता होगा, यानी यहां से यहां तक लगभग लगभग। देखो बुक में एक्चुअल में फिक्स नहीं दिया रहता, एक्चुअल में ऐसे मानेंगे कि कुछ ही त्रिज्या की, यानी 15 मीटर ऊंचे स्तंभ में कुछ ही त्रिज्या की एक धातु का गोला होता है। अब उसके अकॉर्डिंग जितना क्षमता वो ले सके, जैसे हमारा स्तंभ कितना चौड़ा है उसके आधार पर भी हम एक धातु का गोला रख देंगे। आपकी बुक में कभी 3 मीटर भी दे सकता है, कभी 4 मीटर भी, कभी 5 मीटर भी दे सकता है, ये तो बनाने के ऊपर डिपेंड करता है। हमने क्या कहा भैया कि एक हमारा P1 P2 दो घिरणियां होती हैं, जो P1 होता है वो गोले के केंद्र पर होता है, और P1 जो होता है ये P2 है, P2 जो है गोले के केंद्र पर और P1 जो फर्श पर होता है, मतलब नीचे सतह पर होता है, जिसका संबंध एक मशीन से होता है। ये मशीन क्या काम करता है, इस घिरणी को घुमाने का काम करता है, और P1 और P2 के बीच एक बेल्ट लगा रहता है, जब घिरणी P1 घूमता है तो P2 से जो बेल्ट है ये घूमते रहता है। ठीक है, चलो अब यहां पर दो कंघियां नजर आ रही हैं, एक C1 और एक C2। C1 और C2 का नाम दिया गया भैया कि यहां से हम आवेश देंगे, जब पानी हम देते हैं तो फुहार लगाते हैं, फुहार देखो कभी आप नहाए हो, हम तो सर सावर में नहाए हैं,
बेहतरीन। चलो सावर में नहाए हो, होता क्या है सावर का, आप देखे होंगे पानी एकदम फुहार के रूप में चलता है, फुहार के रूप में मतलब पानी को फैला देता है। इसी प्रकार से ये जो सीवन है ये फुहार कंघी कहलाता है, एकदम यहां से आवेश दिया जाता है। वो कैसे देगा हम बात करेंगे। फुहार कंघी क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहां से आवेश दी जाती है और जो सीटू है दूसरी कंघी लगी रहती है जो धातु के गोले से संपर्क में रहता है। ये जो सीटू है, ये जो सीवन है, एक हाई वोल्ट की बैटरी से है ना जुड़ा रहता है। और यहां पर जो आपका सीटू है, सीटू जो है ये धातु के गोले से संपर्क में बना रहता है। ये संग्राहक है, जैसे ये सीवन जो है आवेश को छोड़ता है, वो सीटू क्या करता है, आने दो और मैं ले लूंगा। तो ये सीवन देता है और जो देता है उसे हम बोलते हैं संग्राहक, दे रहा है भाई साहब, और सीटू जो है वो लेता है। भाई ये फुहार है, फुहार सॉरी फुहार, ठीक है, जो देता है उसे फुहार कंघी और जो लेता है उसे बोलते हैं क्या, संग्राहक, ले रहा है तो संग्राहक कंघी। समझ में आया कि 15 मीटर ऊंचे स्तंभ में धातु का गोला एक टिका रहता है। ऐसे भैया ये धातु का गोला, इसमें हमारे पास P1 P2 दो घिरणियां होती हैं, इसके ऊपर एक बेल्ट घूमता रहता है। P1 का संबंध एक मशीन से रहता है जो कि इस P1 घिरणी को घुमाने का काम करता है। C1 और C2 दो कंघियां लगी रहती है। पहले बच्चों C1 का संबंध जो होता है वो एक किसी न किसी विद्युत स्रोत या आवेश जहां से हम ले सकते हैं वो स्रोत होता है, जैसे हाई वोल्टेज का जो बैटरी है यहां से हम बैटरी के माध्यम से आवेश को ले सकते हैं। और जो C2 का संबंध है वो धातु के गोले से रहता है, धातु के गोले से संपर्कित रहता है। C1 को हम फुहार कंघी कहते हैं और C2 को हम संग्राहक कंघी कहते हैं। ये हमारा हो गया क्या, संरचना। और इसको हम एक बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं ताकि इसका आवेश क्षरण ना हो सके, और साथ में इसको हम एक पृथ्वी से एक वायर के माध्यम से जोड़ देते हैं कि यदि एक्स्ट्रा यहां पर कोई आवेश आए भी तो वो कहां से चला जाए, तार से चला जाए, कहां चला जाए, तो पृथ्वी पर चला जाए। तो ये हमारा हो गया संरचना। फिर से समझो आप लोग, 15 मीटर ऊंचे स्तंभ पे कुछ ही त्रिज्या का एक धातु का गोला एस पी स्तंभ में टेका रहता है। इसमें P1 P2 दो घिरणियां होती हैं जिस पे रबर या प्लास्टिक का क्या रहता है, एक वेल्ट घूमता रहता है। P1 का संबंध किसी मशीन से होती है जो P1 घिरणी को घुमाता है। P2 धातु के गोले के केंद्र पर रहता है। इसमें C1 और C2 दो कंघियां होती है। C1 का नाम फुहार कंघी, देने वाला फुहारा भैया फुहार कंघी, और C2 संग्राहक ग्रहण कर रहा है, इसलिए उसे हम संग्राहक कंघी के नाम से जानते हैं। इतना क्लियर है। जो C1 का संबंध होता है बच्चा लोग, जो C1 का संबंध होता है कहीं ना कहीं जहां से विद्युत स्रोत होता है उससे जोड़ दिया, जैसे यहां पर हाई वोल्टेज की बैटरी जोड़ दो, जहां से हम विद्युत स्रोत मतलब वहां से हम आवेश को कलेक्ट कर सकें, ठीक। और एक्स्ट्रा यदि मान लीजिए इस पर कहीं चार्ज हो गया तो इसके संबंध के लिए भी हम प्रतिविकृत कर देते हैं। इस संपूर्ण उपकरण को एक बॉक्स में क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, जिससे कि आवेश का क्षरण ना हो सके, आवेश बाहर ना जा सके। लेकिन यदि कुछ मात्रा में आवेश बाहर जा रहा होता है उसे पृथ्वीकृत कर देते हैं, जिससे विद्युत जो आपका उपकरण है ये क्षति ना हो सके। तो ये हो गया भाई साहब आपका संरचना, समझ में आ गया होगा, बैटरी वगैरह सब समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे क्या, हम कार्यविधि की बात करेंगे, मजा आएगा, बिल्कुल आप चिंता ना करो, ठीक। देखो कार्यविधि कैसे हो, अब संरचना को लिखाओ, मैं नहीं लिखाने वाला आज के इस वीडियो में, बस समझाने के लिए आया हूं। आप संरचना कहो लिखाओ तो मैं नहीं लिखाऊंगा, आज मेरा टॉपिक है केवल समझाना भाई साहब, 1D ग्राफ। अब आप लिखोगे कार्यविधि, समझ लो, यदि समझ लोगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा, और यदि नहीं समझोगे प्यारे बच्चों तो आपको जिंदगी भर रटना पड़ेगा। समझोगे क्या है आप कार्यविधि, ये वास्तव में कार्य क्या कैसे करता है। देखो सर्वप्रथम इसको हम संचालन करने के लिए क्या करते हैं, यहां से प्यारे बच्चों हम ये जो बैटरी रहता है इस बैटरी के माध्यम से इसको आवेशित करते हैं C1 को। अब C1 क्या है, जैसे हम एक कंघी यहां पे बनाते हैं ऐसा, और इसमें भाई जितने भी हमारे पास कंघी के नुकीले भाग हैं तो ये नुकीला भाग ऐसा होता है, ऐसा ये नुकीला भाग बन रहा है, नुकीला भाग बनेगा बेटा, भाग बनेगा, ये देखो बच्चा लोग ये नुकीला भाग। अब इस पर जो है आवेश अत्यधिक मात्रा में होता है, यहां पर आवेश का घनत्व बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, समझ रहे हो, बहुत ज्यादा मात्रा में आवेश का घनत्व होता है, ओके। यानी ये जो है यहां पे फुहार कंघी है, ये जो आपका C1 है वो फुहार कंघी है, फुहार कंघी,
हम क्या करते हैं भाई साहब, बैटरी के माध्यम से CO1 को आवेश देते हैं। अब इसके नुकीले भाग पर आवेश का घनत्व बढ़ जाता है। और एक चीज यहां पर और समझो आप लोग कि जो हमारा M मशीन है इसके माध्यम से P1 घिरनी को घुमाते हैं, जिससे जो आपका वेल्ट होता है, जो पट्टा होता है, ये घूमते रहता है, ये हमेशा घूमता रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसको हम है ना यहां से मशीन की सहायता से घुमाते रहेंगे। अब होगा क्या, देखो जरा होता क्या है प्यारे बच्चों, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे ही हम बैटरी के माध्यम से C1 को आवेश देते हैं, C1 का मतलब क्या होता है, फुहार कंघी। C1 का मतलब क्या होता है, फुहार कंघी, यानी जोड़ते हैं। तो ये जो नुकीला भाग है, इसका जो नुकीला सिरा है, यहां पर आवेश का मान बढ़ जाता है, यानी आवेश का घनत्व बढ़ जाता है। फिर से समझो, जैसे ही हम C1 को किससे जोड़ेंगे, बैटरी से जोड़ेंगे, बैटरी से कनेक्शन देंगे, तो बैटरी से वहां से धनावेश जाएगा, और धनावेश जाएगा तो ये जो कंघी है भाई साहब, इस कंघी के नुकीले भाग पर आवेश का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसके नुकीले भाग पर आकर के क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सब यहां पर ना आवेश बढ़ता है। अब कह दोगे सर कैसे, अब कैसे, ये कहां से आ गया भैया, रेलवे में जा रहे हो है ना, एक ट्रेन में डिब्बे में आप 25 सवारी बैठ गए, छोटा सा डिब्बा था, पास पास हो गए, यही चीज होता है। इधर चौड़ा है तो आवेश बिखरा है, सकरा है तो आवेश पास पास है, सिंपल है, घनत्व तो ज्यादा है। तो हमने क्या कहा, जैसे ही बैटरी को हम C1 से जोड़ते हैं या बैटरी के साथ हम बैटरी से हम आवेश C1 को देते हैं, तो C1 का यानी जो आपका फुहार कंघी है, इसके नुकीले भाग पर आवेश का मान बढ़ जाता है और आवेश का घनत्व बढ़ जाता है। आवेश तो बढ़ गया, अब होता क्या समझो, जब यहां पर आवेश का घनत्व बढ़ जाता है और इसके संपर्क में आता है वायु का कण, क्या भाई साहब, वायु का कण, ये वायु का कण आया, और जैसे ही वायु का कण इसके पास आता है, तो मैंने कहा कि जैसे नुकीले भाग पर कोई वायु का कण आया तो आवेशित हो गया, क्या हो गया, आवेशित। बहुत सारे, एक नहीं, यहां हजारों लाखों वायु के कण क्या होते हैं, आवेशित हो जाते हैं, ठीक है। और जैसे ही आवेशित होते हैं तो आवेशित होने के तुरंत बाद, बहुत कम, मिनी सेकंड भी नहीं लगता भाई साहब, वायु का कण गया और आवेशित हुआ, और जब आवेशित हो गया भाई साहब तो ये इसमें तो ऑलरेडी धन है, जब धन हो गया तो क्या हो गया, प्रतिकर्षण, क्या हो गया, प्रतिकर्षण। अब क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। अब प्रतिकर्षण हो गया तो जो आवेश युक्त ये वायु के कण है वो क्या करेंगे, नुकीले भाग से भागने की कोशिश करेंगे भाई साहब। जैसे आप लोग किसी मंदिर में भंडारा चल रहा है, मान लो प्रसाद मिल रही है, तो गए आप दोना लेकर के, भैया दो खिचड़ी, और बोले भैया मिल गया तो भागो वहां से, क्यों भागो, नहीं दूसरा बोलना दे भैया मिल गया तो साइड हो, ऐसे ही कंडीशन यहां, ये सारे के सारे वायु के कण आए और बेचारे दोना लेकर खड़े हो गए, भाई साहब हमें भी कुछ दे दो, आवेश का नुकीला भाग भैया ये कहा ले लो धनावेश, और जैसे धनावेश मिला तो मारता है धक्का, चल हट, तुझे तो मिल गया, हे रे भाई तू फिर दोबारा शादी क्यों करा रहे हो, तुम्हारी शादी हो गई ना, तो चलो बच्चा लो। तो देखो क्या होता है कि ये जो आवेश है प्रतिकर्षित होकर के कहीं ना कहीं चलना शुरू करेगा। अब ये जो प्रतिकर्षी, जैसे आवेश मान लीजिए वायु का यहां पर कड़ाया और आवेशित हुआ, तो इधर क्या लगा है, बेल्ट लगा है, पट्टा लगा है। अब वैद्युत पवन का मतलब क्या होगा, ऐसा मिलेगा आपको बुक में कि C1 के पास आता है, आवेशित होता है और प्रतिकर्षित होकर के चलने की कोशिश करता है, जिससे वैद्युत पवन चलने लगती है। मतलब वही जो आवेश युक्त वायु के कण है वो चलना शुरू कर देते हैं, और चलेंगे तो ये बेल्ट तो पट्टा भैया तका हुआ है, आ जाओ, ये जो P1 घिरनी से लगा हुआ बेल्ट का पट्टा वो तो तका ही है कि आ जाओ, आ जाओ बेटा, हम तो तुम्हारे इंतजार करते थे, किसी दर्द से गुजर रहे को अजनबी व्यक्ति भी मिल जाए तो मित्र बन जाता है, और यही यहां पे धन आवेशित हुआ, भैया प्रसाद लेकर के अजनबी व्यक्ति भाग यहां से, तो भैया छाओ एक तो एक छोटा सा घर मिला, आ जाओ बेटा तू यहां बैठ के खा। अब पहुंच गए वहां, ये P1 के पास पहुंच गया, P1 में लगा हुआ है भैया क्या, बेल्ट लगा है पट्टा, ये काम ही क्या करेगा, ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा। अब ये भैया बेहतरीन आया और आवेशित होकर के इस बेल्ट पट्टी में बैठ गया, और ये बेल्ट का पट्टा ऊपर ले गया, और जैसे ये C2 के पास पहुंचता है, थोड़ा समझने की कोशिश करना, मजा आएगा यार, C2 के पास पहुंचता है तो C2 क्या करेगा, ये जो संग्राहक है, अरे भाई साहब हर एक जगह दलाल मिलेंगे, आप एक छोटे से काम के लिए भी चले जाओ किसी सरकारी दफ्तर पर, एक छोटा सा दलाल मिलेगा आपको, है ना, बोलेगा भाई हम तुम्हारा काम करा देंगे, भले वो ना करा पाए, ये चीज मैंने देखा है, ये मेरे साथ खुद हुआ है,
समझ रहे हो, एक छोटा सा दलाल मिलेगा, भाई साहब मैं करा दूंगा, कुछ नहीं थोड़ा सा मुझे खर्चा चाहिए। होता क्या है देखो, ये जो C2 है, ये C2 है, इसमें भी आपके ऐसे कंघी लगे हैं। अब यहां पे आ रहा है आपका बेल्ट, और इसमें कौन बैठा है, एक सवारी जो आ रहा है किसी के पास। अब C1 क्या करता है, दे दिया तो C2 को। अब C2 का नाम है संग्राहक, संग्राहक का मतलब होता है ग्रहण करना। अब ये कैसे ग्रहण करेगा, ये यहां पे सोचने और समझने वाली बात है। तो देखो जरा, यहां पे मान लो आपका ये नुकीला भाग है, इस पर अभी पॉजिटिव चार्ज है, और इधर भी आ रहा है कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो आवेशन की प्रक्रिया आपको सबको पता है कि बच्चा लोग, जैसे हमारे पास ये आवेश आया, तो जब आवेशन होता है तो पास वाले भाग पर ऋण आवेश और दूर वाले तट पर प्लस आवेश। यानी जितने भी यहां पे C2 के कंघी हैं तो उसके पास वाले क्षेत्र पर ऋण चलेगा और इधर क्या होगा, धन चलेगा, है ना। जितने भी यहां पे नुकीले भाग हैं प्यारे बच्चों, यहां से धन हटेगा और इधर जाएगा तो ये यहां पर ऋण हो जाएगा। कारण क्योंकि भैया ये जो बेल्ट का पट्टा है, मतलब यहां पे जो बेल्ट चल रहा है, यहां से जा रहा बैठा बैठा धन आवेश, दोना में लिए प्रसाद बेचारा जा रहा है। अब होगा क्या, क्या यहां पे जो खाना खाया हुआ बैठा उसे जरूरत पड़ेगी कि भूखे व्यक्ति की जरूरत है। तो यहां पर होता क्या है प्यारे बच्चों, ढंग से समझना कि जैसे ये धन जाता है तो C2 कंघी पर भैया पहले तो उदासीन है। उदासीन का मतलब ये है कि उसमें धन और ऋण दोनों बराबर हैं। उदासीन का मतलब उसमें धन और ऋण बराबर है। तो ये धन को देखेगा, छोरा आ रहा है, छोरी बोली बेटा कुछ तो आ रहा है, सुंदर सा गोरा सा छोरा आया, छोरी पास में चली गई, समझो ये प्लस आया, ऋण पास में गया। और जैसे ऋण पास में जाएगा तो धन वाला उसके विपरीत जाएगा, ये तो डेफिनेट है, ये तो 100% समझ लो। तो ये होता क्या है प्यारे बच्चों, कि ये जो धन वाला भाग है इस गोले के भाग पर चला जाता है, और जैसे ये ऋण आवेशित होता है तो इस धन को क्या करता है, समाप्त हो, ये क्लोज होते हैं, तो फिर से धन कहां आ जाता है, कंघी पर। ये आपके ऋण अट्रैक्शन करेंगे, अट्रैक्शन आकर के धन चार्ज यहां पर अपना स्थान ग्रहण कर लेता है। एक नहीं, सभी के सभी जितने जाते जाएंगे, और इसी ऋण के कारण ये ऋण आवेशित भैया ऋण है, ये धन को समाप्त करता है, तो ये वायु के कारण फिर से उदासीन होकर के नीचे फिर से वैद्युत पवन चलता है, और वैद्युत पवन चलने के कारण वायु के कण कहां चले जाते हैं, नीचे चले जाते हैं। फिर C1 के पास दोना लेकर, खाली दोना लेकर पहुंचे, भैया अल्लाह के नाम से दे दो, भगवान के नाम से दे दो, माता रानी के नाम से दे दो, हमें भी दोना लेकर आए हैं। तो C1 तो लेकर के भंडारे में बैठे ही भैया कि खाने वाले आ जाओ, भूखे व्यक्ति आना, फेंकना नहीं, तो ये दे ही रहा है, बोला आ जाओ भाई साहब, लो फिर से पॉजिटिव चार्ज ले लो। फिर से वो क्या हुए, पॉजिटिव चार्ज लेकर के प्रतिकर्षित हुए। प्रतिकर्षित होने के बाद वो फिर से कहां पे चले गए, वो स्थान दे रहा ना, ये सबसे यहां पे घटिया व्यक्ति कौन है जानते हो, यहां पे जो सबसे घटिया व्यक्ति ये बेल्ट पट्टा है, ये सबसे ज्यादा स्थान देता है कि आ जाओ, और इन्हीं के कारण बेचारे वो बिक करके छोरी के पास चले जाते हैं। मतलब यहां पे ऋण आवेश तका रहता है। C2 जो है इस पर उदासीनता बनी रहती है, लेकिन जैसे ही छोरा को देखा तो छोरी पास में आई, और इसके भी जो अंदर जो छोरे हो दूर चले गए। मतलब जैसे पॉजिटिव चार्ज आया, निगेटिव इसके पास में जाते हैं और पॉजिटिव इससे दूर चले जाते हैं। बच्चा लोग, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे यहां पर प्लस आता जाता है तो C2 से प्लस इधर, ऋण इधर आया, समाप्त किया। मतलब इस गोले पर आवेश की मात्रा बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। समझ रहे हैं? मतलब यहां पर इतना ज्यादा उत्पन्न किया जा सकता है कि भाई साहब 8 मिलियन लगभग, 6 से 8 मिलियन विभवांतर इतना हो सकता है, ठीक है, पर बढ़ाया जा सकता है। आवेश जितना अधिक होगा विद्युत विभव उतना ही अधिक होगा, विभवांतर भी उतना ही अधिक होगा। तो इस प्रकार से भैया ये 1931 में खोजा गया था ना आरजे वान डी ग्राफ ने, है ना, आपके बुक में भी होगा 1931, आरजे वान डी ग्राफ ने इसका नियम दिया था। तो इस प्रकार से इसका हो जाता है कार्य विधि। अब थोड़ा सा बोलो सर, एक बार सिस्टमेटिक आप समझा दो। देखो, जैसे ही कंघी C1 को बैटरी के साथ जोड़ा जाता है तो कंघी के नुकीले भाग पर आवेश का मात्रा बढ़ता है, आवेश का घनत्व बढ़ जाता है, इसके संपर्क में वायु के कण आते हैं जो आवेशित होकर के प्रतिकर्षित होने लगते हैं।
प्रतिकर्षित हुए, वैद्युत पवन चला, बेल्ट के सहारे से ऊपर जाते हैं। सीटू के पास होता भैया संग्राहक अंगी, यानी सीटू एक संग्राहक अंगी है तो कोशिश ही करता है। तो सीटू का जो ऋणात्मक भाग है वो आपके धनात्मक भाग के पास आता है, और जो धनात्मक भाग है वो खोखले गोले पर चला जाता है, ये जो आपका धातु का गोला है उसके अंदर चला जाता है। और ये जो आवेश है इसके कारण जो ऋण आवेश उत्पन्न होता है उसके कारण एक वैद्युत पवन चलता है और प्लस को समाप्त करता है। पुनः वायु के कण घिरने के माध्यम से नीचे आते हैं और पुनः सीवन से आवेशित होते हैं, और यह क्रम लगातार चलता रहता है। और भैया ये जब तक क्रम चलाते हैं जब तक कि इसका जो विभवांतर है उच्चतम प्राप्त ना हो सके, मतलब जब तक कि इसकी जो क्षमता है उसके आधार पर इसकी विभवांतर पूरी ना हो सके। इसके सहायता से लगभग 6 से 8 मिलियन विभवांतर, लगभग लगभग इतना उच्च विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है। मतलब जो बांडी ग्राफिक उपकरण है ना, एक प्रकार से उच्च विभवांतर उत्पन्न करने के लिए एक उपकरण बनाया गया है, लेकिन ये भारी होने के कारण इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जाया जा सकता है। तो इसकी विशेषताएं हैं कि इसके सहायता से उच्च विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है, और इसमें कई सारे कण जैसे अल्फा कण है और मेसान है, पॉजिट्रॉन है, इनको त्वरित किया जा सकता है। ठीक है, याद कर लेना, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, अल्फा कण है, इनको त्वरित कर सकते हैं। किनको किनको? अल्फा कण, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनको हम क्या कर सकते हैं, पॉजिट्रॉन लिख लो, पॉजिट्रॉन, इनको क्या कर सकते हैं, त्वरित कर सकते हैं, और इसके सहायता से उच्च विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है। इसके दोष क्या हैं? तो भाई ये भारी है, ये भारी होने के कारण इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जाया जा सकता। ठीक है, और भाई साहब एक चीज तो और है, जो जितना ज्यादा खतरनाक होगा उसका उपयोग करना भी थोड़ा सा उतना ही जोखिम होगा। इसमें विभवांतर बहुत ही ज्यादा उच्च होता है, इस कारण से इसका उपयोग भी करना जोखिम के समान होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका हो जाता है कंप्लीट वांडी ग्राफ जनित। सन 1931 में आरजे वांडी ग्राफ ने इस उपकरण को बनाया जिसकी सहायता से हम उच्च विभवांतर उत्पन्न कर सकते हैं। मतलब यह एक प्रकार का उपकरण है जिसकी सहायता से उच्च विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है, लगभग 6 से 8 मिलियन। ये जो धातु का गोला है 5 से 7 मीटर व्यास का होता है, ज्यादा परेशान मत होना, 3 मीटर त्रिज्या मान लो। अब ये एक चीज बताता हूं मैं कि ये हर बुक में अलग अलग मिलेगा, किसी में 3 मीटर व्यास का मिल जाएगा, किसी में 4 मीटर व्यास का मिल जाएगा, इसकी ये 15 मीटर है, इससे और हम जितना आवश्यकता है उसके आधार पर उसको हम बना सकते हैं। लेकिन ये आजकल इतना ज्यादा उपयोगी नहीं है भाई साहब, ये बहुत भारी होता है यार, एक जगह बन गया तो वहीं पे उपयोग कर सकते हैं, अदर जगह ले नहीं जा सकते, इसलिए इसका उपयोग किया नहीं जाता। तो उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे बांडी ग्राफ जनित है क्या, उच्च विभवांतर उत्पन्न करने की एक उपकरण है। तो भाई साहब आप लोग नोट्स जरूर ले लेना बेहतर रूप से तैयारी करने के लिए, और आपको तभी तो समझ में आएगा। और एक चीज आप बताओ भाई साहब, यदि आप एक साल तैयारी करते हो, एक साल में आप कितने बुक नहीं ले लेते हो, लेकिन 100 रुपए चार्ज दे करके आप एक छोटा सा अमाउंट देते हैं और हमारे साथ जुड़ जाते हैं और आप बेहतर तैयारी करते हैं एक साल तक हमसे। आप पर्सनल, मैं कह रहा हूं ना, मेरा पर्सनल नंबर है, आप मेरे से पर्सनल जुड़ोगे आप बिल्कुल परेशान नहीं होना। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम, और कमेंट बॉक्स में भी जय हिंद लिखना ना भूलें। ओके प्यारे बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।